The thief had run away before the police came.
probably continued after that also. Okay, past में कुछ ऐसे start हुआ, चल जाने दो, उसके बाद वो continue है at that time. इस way में my father had been waiting for me when I reached home. मतलब के मैं जब बोल रहा हूँ तब तक वो चीज continue था, ऐसा बोलना है. past में कुछ start हुआ, हो रहा था, कंटिन्यू था पास्ट में, और जब मैंने बोला तब तक वो एक्शन कंटिन्यू था, ऐसा बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. एक एग्जांपल तो आपने लिखा, माय फादर हैड बीन वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड होम. नेक्स्ट एग्जांपल, द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स. द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स When I reached the stadium, में पहुंचा, उससे 2 घंटे पहले से मैच स्टार्ट हो चुका था, ओके, या खेला जा रहा था, मतलब एक्शन स्टार्ट हो गया था, जब मैं बोल रहा हूँ तब वो एक्शन सब तक था, और maybe यहाँ पे मेंशन किया है कि maybe, probably continued after that also. वो पहुंच गया, उसके बाद भी वो मैच चालू भी हो सकता है या नहीं भी, मतलब उसमें ऑप्शन है, वेट भी एक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वेट कर रहा था फादर. या एक एग्जांपल ऐसा दिया है, माय फादर हैड बीन वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए वो वेट कर रहे थे, एक्शन चालू था पास में, कर रहे थे मेरा वेट कब तक, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो तब तक वो था, उसके बाद का वेट खत्म हो गया. दूसरा एग्जाम्पल ऐसा थे कि वो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, मे बी भी मेरे बोलने के बाद भी वो कंटिन्यू है. इसमें में द मैच हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम. स्टेडियम में पहुंचा, उससे पहले 2 घंटे से मैच खेला जा रहा था, मतलब अभी भी मैं पहुंच गया हूँ तो भी खेला जाएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर. सबसे बड़ी बात ये सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें 9 और 10, वो जो दो स्टैंडर्ड है 9 और 10 में होल सिलेबस ऑफ ग्रामर इससे वो सेम टू सेम सारे के सारे टॉपिक और सब, बट नेदर द मैटर ऑफ स्टैंडर्ड 6, 7, 8. 6 में जो था वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस था, 7 में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दो, एक सिंपल फ्यूचर और एक फ्यूचर कंटिन्यूस, इस तरह से अपना 7th. उसके बाद 8th स्टैंडर्ड जो है उसमें भी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, पास्ट टेंस कंप्लीट एंड फ्यूचर टेंस दो, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. इस तरह से सिलेबस हमारा दिया गया है सीबीएसई. एक चीज और मुझे मेंशन करनी है कि हमको जो सिलेबस मिलता है उसके बाहर का हम नहीं पूछ सकते एज पर एग्जाम. एग्जाम में सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस एक भी चीज, ओके, एक मार्क का भी नहीं पूछ सकते. तो आपको इतना पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पढ़ना है. ये जो आपको बट वेदर द मैटर ऑफ स्टैंडर्ड 9 एंड 10, इसमें सारा टेंस जो है टोटल कवर होगा और उसके बाद एक्टिव पैसिव धीरे धीरे दो सारी चीजें. ओके, यहाँ पे हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, नाउ सिंपल फ्यूचर. अब फ्यूचर टेंस कब यूज होता है, डेफिनेटली फ्यूचर की बात करनी है हमको, मैं जाऊंगा, मैं कुछ बनूंगा, कुछ ऐसा बात करना है जो अभी नहीं है, जो पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, पर फ्यूचर की बात है, तो उसके लिए सिंपल फ्यूचर का यूज होता है. ओके, सिंपल फ्यूचर के लिए शैल बी सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. आई विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर नीड,
शेल का यूज होता है एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन उसके साथ विल का यूज होता है जेंडर के साथ। हाँ अभी के लिए जेंडरली विल यूज होता है आई वी सबके साथ विल का यूज 99% होता है बट एक रूल है। ओके अब हमारा ओके और एक एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन पूछना है फ्यूचर फ्यूचर टेंस तो वो किस तरह से सिंपल फ्यूचर के क्वेश्चन विल यू प्लीज गिव मी योर पेन विल यू प्लीज गिव मी योर पेन क्वेश्चन मार्क के लिए हमेशा सब्जेक्ट के आगे शेल या विल यूज करना है उसके बाद सब्जेक्ट तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके हिसाब से